जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ. जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है. कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है. वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है जो कि आप देख सकते हो, टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है. ये इधर ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सेप्टेम्बर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी. और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था जिसमें, ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है. और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है. सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ. ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं. सवाल पूछे मैडम? लेट मी स्पीक. जहाँ तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की फैमिली के साथ, जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी. हमारे पास प्रूफ है, फोटोज. 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शिजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के. दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में. उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को. 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो, और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया. तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को. और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है. तो बात यहाँ पे इस चीज़ पे ख़त्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था. जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा. उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे हमारे घर पे बैठे हुए थे. सुबह चार बजे तक हमारे साथ थे वो लोग, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए. हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है. हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बाकी है. जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है. ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से, वो एक डॉग लेना चाहती थी, और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी, मम्मा को बोलती है एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई हैं. आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा. कुत्ता. रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता, इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती. टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट
विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब किसी, सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। सो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको, इतना गलत और मरोड़ के बताया है कि बस फंस जाए किसी तरह।